नमस्कार दोस्तों, विशाल पटेल के साथ खबर सनसी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। सीतापुर के नैमिषारण्य धाम की तपोभूमि पर पहली बार फिल्म अफवाह की शूटिंग अपने मुहूर्त पर शुरू हुई। इस फिल्म की शूटिंग सीतापुर जनपद में करीब 1.5 माह तक हुई। आज फिल्म की शूटिंग पूरी होने पर अफवाह फिल्म की पूरी टीम में धीरे-धीरे पूरे उम्मीदवार को बदल जाती है। यदि कभी मैं एक दिन लखनऊ के साहब को था, एक दुकान पर खड़ा हुआ था तो मालूम था अचानक भीड़ आ गई बहुत सारी और सब नमक खरीद रहे, कोई कुछ मांगी नहीं रहा, केवल नमक मांग रहा। मालूम था हमने तो क्या हुआ भाई, इसने सारी बार बताया नमक खरीदने में, वही सारा नमक खत्म हो गया। बताइए आगे। बहुत अच्छी तरीके से शूट किया और इतना मेहनत और शिद्दत के साथ आज वो मेरे पे फाइनेंस किए हैं, वो मूवी बनाने में सक्षम रहे हैं और एक के बाद मूवी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये अफवाह मूवी जो है ना, ये प्रॉपर एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें मैंने एक्शन किए और फाइट मास्टर नेपाल से आए हैं। मैंने आपको बताऊं कि फ़ाइट कर रहा था तो लगभग दो मंजिल से बोले तो केबल लगी हुई थी, वो केबल टूटी और ये तो खुदा का रहमो करम है कि मैं बच गया और फिर भी चोट आई, लेकिन फिर भी मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस बच्चे को, अपने भाई को इतना प्यार दें, इतना आशीर्वाद दें कि मैं आगे बढ़ूँ। मेरे साथ मेरे छोटे भाई बहन और माय नेम इज़ राजी चौरे। यहाँ सीतापुर में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये जो अफवाह फिल्म है जिसमें मैंने निगेटिव कैरेक्टर निभाया है, बहुत ही शानदार कैरेक्टर था। जब आप लोग देखेंगे तो आपको काफ़ी मतलब अच्छा लगेगा और ये निगेटिव कैरेक्टर मेरे लिए